We are doing chapter India after independence. In this, you have read about the main problems which our government was facing in those days after the independence. For example, yesterday you have read about communal riots and what were the problems. For example, refugees in India may to provide job opportunities as there was poverty in India. So princely states were there, near about 500 princely states were there to settle these refugees. They ek to ye major problem thi aur ek unity lani thi country mein, because India was divided not only on the basis of religion, caste based discrimination bhi Indian society mein tha. Theek hai, regions ko leke, food items ko leke, dresses ko leke, languages ko leke, ye log aapas mein yahan pe differences the in Indian society. तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारी न्यूली जो गवर्नमेंट आई थी ना, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, हाँ, हैड टू फेस. तो उन्होंने कैसे कैसे इस प्रॉब्लम्स में से कैसे उन्होंने सोल्यूशन निकाला. फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, एंड आफ्टर डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन, लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन नेशन को दिया 26 जनवरी 1950. यू हैव रेड ऑल के कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना, कितना टाइम पीरियड लगा इसे बनाने में. तो ये कौन से फीचर्स इन्होंने अडॉप्ट किए, फॉर एग्जांपल इक्वालिटी लेके आए, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अर्लियर एज लिमिट वाज 21, जो 21 के थे वो वोट कर सकते थे, बट नाउ इट इज 18. तो ये सारे फीचर्स आपने पढ़े, डिसएडवांटेज ग्रुप्स को उन्होंने कैसे उन्होंने उनको सेटल किया, कैसे उनकी सीट्स रिजर्व की, जिनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था, लेटर ऑन दे वर नोन एज एससी एंड एसटी. आदिवासीज भी थे, ओबीसी भी थे, तो सबको उन्होंने इक्वल राइट्स देने थे. फॉर सच कंट्री इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट फिर भी अवर फेमस दे डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. एंड यस्टरडे वी वर डूइंग, अब उनका झगड़ा जो हमने यहाँ पे छोड़ा था कल का टॉपिक, कि सेंटर एंड स्टेट की पावर्स को कैसे बांटा जाए, दिस वॉज द प्रॉब्लम. क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि सेंटर को पावरफुल रखो, and others they were on the view that provincial government should be given at a more autonomy. So is way se more powers should be given to state government also, ki state ko bhi independent banao. Kuch log ye chahte the aur kuch kehte the ki nahi, center ko hi powerful rehne do. To is way se ab ye jhagda chal raha tha. To what was the solution our framers formed from that? So unhone kya kiya, they introduced list system. They introduced list system in India. In India, we are having list system. आपको पता है हमारे यहाँ पे we are following three list: union list, non-it, union list, state list, concurrent list. Concurrent list. So they introduced this list system. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रखे 97 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे उन्होंने रखे 66 सब्जेक्ट्स, और यहाँ भी उन्होंने रखे 47 सब्जेक्ट्स. तो अवर फ्रेमर्स इंट्रोड्यूस लिस्ट सिस्टम इन अवर कंट्री, उन्होंने लिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया. लिस्ट सिस्टम में उन्होंने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस की. अब व्हाट डू मीन बाई यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट में मैंने लिखा है 97 सब्जेक्ट्स वर देयर इन यूनियन लिस्ट. अब 97 सब्जेक्ट्स थे यूनियन लिस्ट में, और कौन कौन से लॉ मेन जो थे, अबाउट डिफेंस आप कह सकते हो, ठीक है, डिफेंस, करेंसी, ये सब जो डिपार्टमेंट्स थे ये यूनियन लिस्ट में उन्होंने लिए. टैक्सेस, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सारे इन्होंने किस में लिए, इन द लिस्ट सिस्टम. एंड देन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेक्स्ट स्टेट लिस्ट, फॉरेन अफेयर्स भी लिस्ट सिस्टम है. यू हैव टू लर्न फॉरेन अफेयर्स, टैक्सेस, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन, ये सब किस में आया, लिस्ट सिस्टम, यूनियन लिस्ट. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट, 97 सब्जेक्ट्स. देन स्टेट लिस्ट, 66 सब्जेक्ट्स आर देयर इन स्टेट लिस्ट. अब स्टेट लिस्ट में एजुकेशन, हेल्थ वाले डिपार्टमेंट स्टेट लिस्ट में ले आए. इस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ, इस पे स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉ, स्टेट लिस्ट. इट मीन स्टेट के साथ पावर शेयर कर ली हमारे फेमस ने, हमारी गवर्नमेंट ने. नो डाउट प्रॉब्लम चल रही थी कि सेंटर को पावरफुल रखो, तो साथ में कुछ लोग कह रहे थे स्टेट्स को भी पावरफुल बनाओ. तो उन्होंने देखो कैसा सोल्यूशन निकाला, उन्होंने स्टेट को भी राइट दिए,
66 सब्जेक्ट्स उन्होंने स्टेट को दे दिए, ठीक है, बट 97 सब्जेक्ट्स किसे दिए, सेंटर को। इस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, ठीक है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट, इस पे इसमें आप कह सकते हो एजुकेशन हेल्थ कॉन्करेंट लिस्ट 47 सब्जेक्ट्स दोनों मिलके लॉ बनाते हैं सेंटर एंड स्टेट। तो इसमें आप कह सकते हो फॉरेस्ट आ सकते हैं, एग्रीकल्चर, ये कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक, बोथ मेक लॉ टुगेदर, दोनों मिलके। अब दोनों मिलके बनाएंगे तो झगड़े होने के भी चांसेस होंगे, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर झगड़ा हो जाए बाई मेकिंग लॉ ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, क्योंकि दोनों मिलके बना रहे हैं सेंटर एंड स्टेट, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर झगड़ा हो जाए तो लॉ मेड बाय सेंटर प्रीवेल्स, इसके लॉ चलेंगे सेंटर पे। तो इट मींस अपने आप देखो स्टेट को भी पावर दी, बट ओन द होल पावर फिर किसे कर दिया, सेंटर को, क्योंकि यहाँ पे सीधे 97 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी अगर झगड़ा होता है तो लॉ कौन बनाएगा, किसके लॉ चलेंगे, सेंटर के। तो नो डाउट चाहे उन्होंने पावर शेयर की, अवर फ्रेमर्स शेयर देयर पावर्स विद स्टेट गवर्नमेंट, पावर शेयरिंग हो गई, बट फिर भी सेंटर, आप देखो अभी भी आपको लगता होगा कि सेंटर इज पावरफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी स्टेट्स जो इंडिया में है ना, दे आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही है ना, हमारी गवर्नमेंट टोटली इंडिपेंडेंट तो नहीं है यूएसए की तरह, यूएसए की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स आर टोटली इंडिपेंडेंट, वेयर एज इन अवर कंट्री अवर स्टेट गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर की गाइडेंस के अंडर वर्क करती है, ठीक है। नो डाउट उन्होंने कहा कि यूनियन को पावरफुल बनाओ, बनाया भी 97 सब्जेक्ट्स के, यहाँ पे भी यूनियन को होल्ड दे दिया, ये स्टेट के साथ शेयर कर लिया। और आपको पता है जो सब्जेक्ट्स बाद में ऐड हुए जो नई एनलेस सिस्टम में, वो रेजुडरी पावर्स में चले गए, इट्स नॉट गिवन इन योर बुक, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, रेजुडरी पावर्स, रेजुडरी पावर्स जो है ना वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इंजॉय करती है। तो आप अपने आप सोचो कि सेंटर को कितना पावरफुल रखा गया, यहाँ पे भी सेंटर को ज्यादा पावर्स दी, यहाँ पे भी सेंटर को दी, स्टेट को सिर्फ स्टेटलेस दी, बट स्टेट को भी पावर दे दी अपनी स्टेट का, स्टेट होल्ड अपनी स्टेट में जो भी लॉ है स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। और रेजुडरी पावर सारी किसको दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं सेंटर को पावरफुल बना दिया हमारे फेमस ने, ठीक। अब अगला जो डिबेट था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने बोला है कि बहुत से डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन नेशन को दिया गया, पहले तो सेंटर एंड स्टेट की पावर्स को लेके वहां पे बात हुई। अब वहां पे बात हुई कि लैंग्वेज, कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या होनी चाहिए, अब लैंग्वेज पॉलिसी को लेके प्रॉब्लम होगी। अब सेंटर ने कहा कि हिंदी शुड मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने बना दिया, ठीक। बट 1965 में, मैं आपको बुकिश बुक वाला नहीं करा रही, मैं वैसे बता रही हूँ, लिसन केयरफुली, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, पहले हिंदी वॉज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, बट क्लैशेज हुए। इन 1965 तमिलनाडु में वायलेंस हुई, कहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु में वायलेंस हुई, और तमिलनाडु के लोगों ने कहा कि विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी आपको पता है नॉर्थ इंडियन रीजन्स की लैंग्वेज है, तो साउथ इंडियन स्टेट्स को ये ठीक नहीं लगा, उन्होंने कहा हिंदी क्यों, अकेली हिंदी क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्होंने कहा विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी के साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। तो यहाँ पे ना टी कृष्णमाचारी ने ना अपने व्यूज दिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पीटी कृष्णमाचारी ने बोला कि अगर आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हो तो फिर आपको तमिलनाडु जो है ना वो सेपरेट स्टेट हो जाएगी, तमिलनाडु कहीं ना कहीं उनके मन में अपने उनकी आप फीलिंग्स को हर्ट करोगे। टीटी कृष्णमाचारी ने बोला कि हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ, विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब कॉम्प्रोमाइज हो गया आपस में, तो ये डिसीजन लिया गया कि ऑफिशियल वर्क ऑफ द कंट्री इज डन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हमारे फेमस एग्री करके, क्योंकि वो कंट्री अभी तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी, वो दोबारा डिवीजन नहीं चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, उनको था कि अगर हम नहीं मानेंगे तो साउथ इंडिया में वायलेंस हो जाएगी, हुई भी थी, उनको क्या कि फिर डिवीजन होगी कंट्री की। और सेम फ्यू इयर्स अगर हम बात करें तो बिफोर दैट वाज हैपेंड इन श्रीलंका,
श्रीलंका में ऐसा ही हुआ था। वहां पे उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज जब गवर्नमेंट ने सिन्हाला बनाई ना, तो वहां पे वायलेंस हुई थी। वहां पे लोगों ने कहा कि तमिल को भी साथ में रखो, तमिल भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, दिस इज आई एम टेलिंग यू एक्स्ट्रा। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ सिन्हाला को ही ऑफिशियल लैंग्वेज रखेंगे। तो श्रीलंका में सिविल वार हुई थी, तो हमारे फेमस डर गए थे, उनको लगता था कि अगर हम नहीं अग्री करेंगे ना तो सिविल वार वुड बी हैपन इन इंडिया। तो इसीलिए उन्होंने हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश को भी बना दिया। अब आप अपने आप सोचो, ऑफिशियल वर्क ऑफ द कंट्री इज डन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। आप देखो ये ऑफिशियल वर्क हमारी कंट्री का दोनों लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिशन दे दी कि दे कैन डू देयर स्टेट वर्क इन देयर ओन स्टेट लैंग्वेज। स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट लैंग्वेज में अपना ऑफिशियल वर्क कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो कि पंजाब में आप पंजाब के स्कूल्स में पंजाबी इज कंपल्सरी, इज इट क्लियर ना। अगर ऐसा ना होता ना तो पंजाबी कभी भी स्टेट लैंग्वेज कंपल्सरी ना होती, आप हिंदी पढ़ रहे होते। तो उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकती है अपनी स्टेट में। और साथ में उन्होंने कहा कि स्टेट वर्क इज डन इन बोथ स्टेट लैंग्वेज विद इंग्लिश, के स्टेट भी अपना काम जो है ना वो स्टेट लैंग्वेज विद इंग्लिश में कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ अवर कंट्री। अब आपको पता चला लैंग्वेज पॉलिसी क्या इंडिया की। इंडिया में पहले हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, बट दिस वॉज नॉट टॉलरेटेड बाई द पीपल ऑफ तमिलनाडु। देयर वॉज वायलेंस इन 1965 एंड पी डी कृष्णमाचारी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला कि अगर हिंदी को आप ऑफिशियल लैंग्वेज अकेला बनाते हो तो देयर वुड बी वायलेंस इन तमिलनाडु। तो हमारे फेमस जो थे दे अग्रीड दे डिडंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस इन द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। तो दैट्स वाई दे अग्रीड, वो मान गए। एंड विद हिंदी द ऑफिशियल वर्क ऑफ कंट्री इज डन बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो उन्होंने स्टेट्स को भी फ्रीडम दी कि दे कैन प्रमोट देयर स्टेट लैंग्वेज। द स्टेट वर्क, स्टेट का जितना भी ऑफिशियल वर्क है स्टेट गवर्नमेंट कैन डू इन इट्स ओन स्टेट लैंग्वेज विद इंग्लिश, एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रमोट इट्स लैंग्वेज। अगर आप जैसे आप आंध्र प्रदेश जाते हो तो वहां के बच्चे तेलुगु पढ़ते हैं, ठीक है। मीन्स हर स्टेट अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करती है। अगर आप कर्नाटका जाते हो तो कन्नड़, हर स्टेट अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करती है। महाराष्ट्र मराठी, पंजाब में पंजाबी। तो दिस इज द स्टेट, उन्होंने कहा कि अपनी लैंग्वेज को आप प्रमोट करो, इज इट क्लियर, तभी हम अपनी स्टेट में रह के अपनी लैंग्वेज पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आगे हमारी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स की भी प्रॉब्लम हुई थी कि कैसे स्टेट्स को सेटअप किया जाए। अब एक मिनट, मैंने अभी बोला कि लैंग्वेज पॉलिसी। अब नेक्स्ट इज मैनी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल वॉज प्लेड बाई बी आर अम्बेडकर। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर दिस डॉक्यूमेंट वॉज फाइनलाइज्ड। एंड इन हिज फाइनल स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पॉइंटेड आउट दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैड बीन अकंपनीड बाय इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। अब एक मिनट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी मैंने आज आपको बताया लिस्ट सिस्टम, नाउ यू नो इट वेरी वेल। देन मैंने बताई लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या इंडिया की, कंट्री का जो जितना भी ऑफिशियल वर्क है दैट इज डन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कौन से स्टेट ने प्रॉब्लम क्रिएट की थी जब हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी, तमिलनाडु ने। कौन से ईयर में वायलेंस हुई थी, 1965 में। तो स्टेट को क्या राइट दे दिया कि स्टेट भी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकेगी। दिस इज द लैंग्वेज पॉलिसी। अब हमारे जो फ्रेमर्स थे हु वर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें ना जब ये असेंबली बनी थी ना तो इसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। From the assembly, drafting committee was set up. And drafting committee, आपको पता constituent assembly के जो head थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, president of constituent assembly डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो इसमें से drafting committee बनी थी बी आर अम्बेडकर with 7 members, तो उन 7 members और बी आर अम्बेडकर की committee को कहा गया drafting committee। और ये कमेटी जो थी इसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वर्क दिया गया। वह सर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर। तो इनको कहा गया था कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो बी आर अम्बेडकर एंड उनके मेंबर्स जो थे ना साथ में, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा।
एंड उन्होंने जो उनको बेस्ट फीचर लगे ना वो अडॉप्ट करने शुरू कर दिए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं बैग ऑफ बोरोइंग, सारा उधार लिया हुआ सामान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अवर फेमस रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्रीज अडॉप्टेड द बेस्ट फीचर्स, उन्होंने उस उन बेस्ट फीचर्स को अडॉप्ट किया। बी आर अम्बेडकर ने ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो लोगों को दे दी बिकॉज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज गिवन, ठीक है। आपको पता है कि हमारी कंट्री जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड हुआ है, यू नो, तब नहीं था जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जाके ऐड हुआ है। नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कब जाके ऐड हुआ है, 1976, कितनी लेट देखो। और सेकुलर, सेकुलर वर्ड भी 1976 में ऐड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन नेशन को दिया गया ना तो उसमें सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड नहीं थे, इज इट क्लियर, तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। तो बी आर अम्बेडकर ने मांगा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो यू आर गिविंग, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी, राइट टू वोट इज गिवन, बट इट हैज नो मीनिंग। उन्होंने कहा कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल इक्वालिटी का, जब तक पर्सन के पास सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी हैज नो मीनिंग। उन्होंने कहा इकोनॉमिक इक्वालिटी दो, सोशल इक्वालिटी दो। सोशल इक्वालिटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। वो कहते हैं आप वोट तो डलवा रहे हो पर उधर सोसाइटी में तो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोसाइटी में तो फिर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, सोसाइटी में तो फिर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर है। तो बी आर अम्बेडकर ने पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ क्या मांगा, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। उन्होंने कहा हमें सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी भी चाहिए, अगर लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है तो नॉट ओनली पॉलिटिकल इक्वालिटी इज रिक्वायर्ड, यू शुड ऑल्सो गिव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो ये सब बी आर अम्बेडकर ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला। अब हाउ स्टेट्स वर फॉर्म, अब स्टेट्स कैसे बनी, ये है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हमारे यहाँ पे कैसी स्टेट्स हैं, लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हमारे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बनी है स्टेट्स। अब अपने आप सोचो, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में, गुजराती बोलने वाले गुजरात में, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश। इट मीन्स लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनी है, हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा, आप कहोगे कि ये बहुत इजी टास्क नहीं था टू सेटअप लिंग्विस्टिक स्टेट, हमारे तो खुद के फ्रेमर्स ही नहीं चाहते थे टू सेटअप लिंग्विस्टिक स्टेट्स, नहीं चाहते थे पंडित नेहरू वल्लभ भाई पटेल अर्लियर, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, वो नहीं सेटअप करना चाहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब सुनो इसको, लिंग्विस्टिक मीन्स बेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी। तो वो कैसे बनी, नो लिसन, 1920 में ना, 1920 में तो अभी ब्रिटिश थे इंडिया में, है ना। तो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना, तब एक ये मेन पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में पार्ट लिया, यू नो इट वेरी वेल। कौन सी पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में मेजर रोल प्ले किया, दैट इज कांग्रेस। तो कांग्रेस ने ना 1920 में ना कहीं प्रॉमिस किया था इंडिया के लोगों के साथ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब भी हम फ्री होंगे ना, हम लिंग्विस्टिक ग्रुप बनाएंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप करेंगे, कि वो लोग एक प्रोविंस में रहेंगे, हम ऐसी स्टेट सेटअप करेंगे जिसमें एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहेंगे। दिस प्रॉमिस वॉज डन बाय कांग्रेस टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन पीपल इन 1920। क्यों किया, क्योंकि उनको था कि लोग हमारी हेल्प करेंगे, हम ब्रिटिश से फ्रीडम ले लेंगे एंड आफ्टर फ्रीडम हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे जो कि एक ही स्टेट में इकट्ठे रहेंगे और एक लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। तो ऐसा वाला डिसीजन कांग्रेस ने लिया था, ठीक है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रॉमिस। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने इस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया हैड बीन, उनको था कि इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इंडिया रिलीजन के नाम पे तो बट चुका था ना, यू नो इट वेरी वेल, कि इंडिया एक कंट्री में से दो कंट्रीज बन चुकी थी। ड्रीम ऑफ गांधी जी वॉज शैटर्ड बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड दिस वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। उनको था कि रिलीजन के नाम पे तो लोग बट चुके हैं, कितने ज्यादा कम्युनल रॉइट्स हुए हैं, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन दीज कम्युनल रॉइट्स। तो वो दोबारा, उनको था कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स लाएंगे ना, अगेन कंट्री वुड बी डिवाइडेड। उनको डर लगता था, ये नहीं है कि वो नहीं चाहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स, वो डरते थे मन ही मन में
क्योंकि अभी तो वो इंडिपेंडेंस को इंजॉय भी नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री. एक तो होता है कि आजादी मिली तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारे फेमस के ऊपर. तो वो नहीं, उनको डर लगता था कहीं ना कहीं कि अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स सेटअप करेंगे ना, लोगों को तो हम फिर बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो वो कहते हैं पहले हम भुगत चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, देयर वॉज डिविजन ऑफ द कंट्री. अब अगर हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स लाएंगे तो मे बी द डिविजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो वो कहीं ना कहीं डरते थे. पंडित नेहरू एंड ही पंडित नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इन दोज डेज वॉज वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, दोनों ही लिंग्विस्टिक स्टेट्स की क्रिएशन के अगेंस्ट थे. बोथ वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. नहीं चाहते थे लिंग्विस्टिक स्टेट्स इंडिया में सेटअप करना. आफ्टर द पार्टीशन नेहरू जी ने कहा था कि ये अगर हम लोगों को फिर दोबारा, जो लोग इकट्ठे हैं हम उनको दोबारा फिर नहीं बांटना चाहते. तो कांग्रेस लीडर्स वुड नो गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस, क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. द कन्नड़ स्पीकर, मलयालम स्पीकर, मराठी स्पीकर हैड ऑल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट. अब जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे ना, मराठी, कन्नड़ है ना, और ये मलयालम, ये सब चाहते थे कि हमें अपनी स्टेट दी जाए, हमारी अलग स्टेट होनी चाहिए लैंग्वेज बेस्ड. लिसन अगेन, 1920 में कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वुड सेट अप स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. उन्होंने कहा ऐसे ग्रुप अलग कर देंगे लैंग्वेज बोलने वाले, एक लैंग्वेज बोलने वाले, उन्हें एक ही प्रोविंस में रखा जाएगा. बट आफ्टर फ्रीडम वो डर गए, उनको डर लग रहा था, उनको था कि कहाँ ये जो फ्रीडम, तो वैसे ही रिलीजन बेस पे इंडिया बट चुका है, कि इंडिया से पाकिस्तान भी बन गया. 1920 में तो उन्होंने नहीं सोचा था ना कि पाकिस्तान भी बन जाएगा. 1920 में थोड़ा उन्हें पता था कि पाकिस्तान इंडिया टू पार्ट्स में बटेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो तब उन्होंने सोच लिया, बट बाद में जब उन्होंने देखा कि ये तो रिलीजन के नाम पे टू पार्ट्स में इंडिया बट गया, नो दे डिडंट वांट द डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एंड दैट्स व्हाई पंडित नेहरू वल्लभ भाई पटेल दे वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. वो नहीं चाहते थे सेटअप करना लिंग्विस्टिक स्टेट्स. बट वायलेंस हो रही थी कहाँ पे, दूसरी स्टेट्स में. मलयालम स्पीकर, मराठी स्पीकर है ना, तेलुगु स्पीकर, ये सब चाहते थे कि हमारी अपनी स्टेट हमारी सेटअप करो. अब स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रोटेस्ट हुए ना, वो तेलुगु स्पीकर्स जो थे ना, उन लोगों ने किए. मद्रास प्रेसिडेंसी में ज्यादा वायलेंस हुई, मद्रास में प्रॉब्लम हुई, मद्रास में तेलुगु स्पीकर्स थे वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई. नेहरू जी जब वहां पे गए, लोगों को कन्विंस किया नेहरू जी ने ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, तो नेहरू जी का खुद का वेलकम लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स के साथ किया. ब्लैक फ्लैग्स के साथ वेलकम मींस डिसरेस्पेक्ट की. आपने, आप सोचो किसी का काले झंडों के साथ वेलकम करते हैं, नहीं. ये तो इंडियंस ने साइमन का वेलकम ब्लैक फ्लैग्स के साथ किया था. पता है ना, जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इंडियंस ग्रेटेड इट विद ब्लैक फ्लैग्स. वो तो चलो फॉरेन से आए थे इसलिए इंडियंस उनकी फेवर में नहीं थे. अब पंडित नेहरू ड्यूरिंग 1952 के इलेक्शंस के टाइम जब मद्रास में गए, तो उनको लोगों ने, पंडित नेहरू का वेलकम जो था दैट वाज डन विद ब्लैक फ्लैग्स. और लोगों ने डिमांड रखी, वी वांट आंध्रा. उन्होंने कहा हमें आंध्रा प्रदेश चाहिए. अब श्री रामुल्लू, ये नाम है पर्सन का, कहाँ के, आंध्रा प्रदेश के, पोटी श्री रामुल्लू, इन्होंने हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी एंड डिमांडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट फॉर आंध्र प्रदेश फॉर द तेलुगु स्पीकर्स. इन्होंने कहा हमें आंध्र प्रदेश, आंध्र स्टेट चाहिए फॉर तेलुगु स्पीकर्स. हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी. और एट द जैसे इन्होंने फास्ट डिक्लेयर किया, वहां पे हड़ताल हुई, बंद हुए, बंद की कॉल्स दी, तो लोगों ने प्रोटेस्ट की. अब 15 दिसंबर 1952 को 58 डेज फास्ट रखने के बाद, इमेजिन 58 डेज, बहुत ज्यादा है, 58 डेज फास्ट रखने के बाद पोटी श्रीरामुल्लू की डेथ हो गई. पोटी श्रीरामुल्लू ने क्या मांगा था, ही डिमांडेड आंध्रा स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर्स.
और इन्होंने हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, फास्ट डिक्लेयर कर दिया, अनजल त्याग दिया एंड 58 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई। तो जैसे ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज गई तो आंध्र प्रदेश में प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो बढ़ गए, लोगों ने प्रोटेस्ट किए अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ में कहा ऑन 1 अक्टूबर 1953 न्यू स्टेट ऑफ आंध्र केम इनटू बीइंग। अब कितनी ज्यादा वायलेंस हुई कि गवर्नमेंट को 1 अक्टूबर 1953 को एक नई स्टेट सेटअप करनी पड़ी, दैट वाज आंध्र प्रदेश। अभी तक इतना समझ आया कि आंध्र प्रदेश प्रॉमिस किया था पूरा नहीं किया, क्योंकि वो डरते थे। क्यों प्रॉमिस नहीं पूरा कर रहे थे? बिकॉज दे फियर्ड कि कभी अभी तो रिलीजन के नाम पे लोग बटे हैं, पाकिस्तान और इंडिया बना है, और अगर हम लैंग्वेज वाली स्टेट्स बनाएंगे तो ये तो कल को स्टेट्स इंडिपेंडेंट होके बैठ जाएंगी, स्टेट्स बट जाएंगी। तो उन्होंने उस प्रॉमिस को मना कर दिया पूरा करने से, बट लोगों ने उस बात को याद रखा। लोगों ने कहा, मलयालम स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, ये सब ने कहा कि हमारी कन्नड़ स्पीकर के हमें अपनी डिफरेंट स्टेट्स चाहिए। तो आपको याद रखना है कि कैसे श्री राम मुल्लु ने हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी, इन्होंने आंध्र स्टेट मांगी फॉर तेलुगु स्पीकर्स और इन्होंने हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर की और 58 डेज इन्होंने अनजल त्याग के रखा और इनकी डेथ हो गई। अब डेथ के बाद देखो तब भी 15 दिसंबर 1952 को डेथ हुई एंड आंध्र प्रदेश जाके क्रिएट हुआ 1 अक्टूबर 1953। तो लोग इतना टाइम पूरी कंट्री में लोग प्रोटेस्ट करते रहे, आंध्र प्रदेश वाली साइड प्रोटेस्ट होते रहे, लोग वहां पे बंद की कॉल देते थे, धरना देते थे, डिमांडेड क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गवर्नमेंट हैड टू एग्री और उनको आंध्र प्रदेश उन्हें क्रिएट करना पड़ा, आंध्र प्रदेश बन गया। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश बनने से बाकी स्टेट्स में भी प्रॉब्लम हो गई। अब दूसरी स्टेट्स ने भी कहा तुम्हें सेपरेट स्टेट्स चाहिए। अब हर एक ने मांगना शुरू, क्योंकि एक को मिला तो बाकियों ने कहा हमें भी दो। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेटअप। अब उन्होंने हमारी गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया वल्लभ भाई पटेल के अंडर। अब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1956 को दे दी और साथ में अब क्या हुआ, असामी, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर्स ये जितने भी थे ना, इनकी इन्होंने कहा कि रीड्राफ्ट किए जाएंगे इनके प्रोविंशियल बाउंड्रीज को, मींस बाउंड्रीज बॉर्डर्स, ये सब ओल्ड स्टेट्स वर वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स वर सेट अप। मैंने कल भी आपको बताया था कि पंजाब की कैपिटल शिमला होती थी, तो वो तो मिक्सचर था डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का। तो हमारे फेमस ने क्या किया, इन्होंने कहा कि स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज होएंगी, नई स्टेट सेटअप होएंगी, ओल्ड स्टेट्स वर वैनिश्ड, उन्होंने कहा सारी ओल्ड स्टेट्स वैनिश हो जाएंगी, नई स्टेट सेटअप होएंगी और वो स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज सेटअप होएंगी। इन्होंने कहा लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनेगी तो फिर बाउंड्रीज को चेंज किया जाएगा, क्योंकि पंजाब के आप शंभू पहुंचते हो अंबाला के आगे तो आपका हरियाणा बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, पता है ना, मीन्स ये बाउंड्री चेंज हुई थी तब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओल्ड स्टेट्स वर वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड बाय अवर फ्रेमर्स। क्योंकि उनको इतना सारा कुछ सेटअप करने के लिए उन्होंने सारा सिस्टम सेटअप किया कि किसी वे से ताकि आने वाले टाइम में फिर लोगों में झगड़े ना हो, तो वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया कि बाउंड्रीज जो है वो सब चेंज होंगी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा फिर हम नई स्टेट सेटअप करेंगे। लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन जो कि नॉर्थ इंडिया, वो भी कितने पार्ट्स में बटा, वो एक पार्ट नहीं है, वो कितने पार्ट्स में बटा, हिंदी स्पीकिंग स्टेट सेपरेट हो गई। अ लिटल लेटर इन 1960 बिलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट फॉर मराठी एंड गुजराती। अब बॉम्बे में ना दो लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, मराठी एंड गुजराती, तो उन्होंने यहाँ से दो स्टेट्स बना दी, एक महाराष्ट्र एक गुजरात, अगर एक ही में रहने देते फिर झगड़े होने थे। तो ये बाइलिंगुअल स्टेट्स, बाइलिंगुअल का मतलब होता है टू लैंग्वेजेस बोलने वाले, बाइलिंगुअल का मतलब है टू लैंग्वेजेस बोलने वाली सिटी, तो वो थी बॉम्बे। बॉम्बे में टू लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, एक थे मराठी और एक थे गुजराती। तो फ्रेमर्स ने स्टेट की भी महाराष्ट्र, इससे भी दो स्टेट्स बना दी, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात, मीन्स बाउंड्रीज चेंज कर दी उन्होंने ताकि एक लैंग्वेज बोलने वाले एक स्टेट में रहे। बाइलिंगुअल स्टेट बॉम्बे जो थी उसे भी इन्होंने चेंज किया। आपको पता ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिश के अंडर,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी जो यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज मींस दो लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे, तो हमारे फेमस ने वहाँ पे मराठी एंड गुजराती बोलने वाले थे, तो हमारे फेमस ने इस प्रेसिडेंसी में से दो स्टेट्स बना दी। वो कौन सी स्टेट सेटअप की? महाराष्ट्र एंड देन गुजरात। टू स्टेट्स वर सेटअप फ्रॉम बाइलिंगुअल आप कहोगे स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो इस वजह से इन 1966 स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। अब 1966 में पंजाब को भी टू पार्ट्स में बांटा गया, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा, पंजाबी बोलने वाले पंजाब। तो 1966 में पंजाब स्टेट को टू पार्ट्स में बांटा गया, पंजाब एंड हरियाणा। द फॉर्मर फॉर द पंजाबी स्पीकर्स हु वर ऑलमोस्ट मोस्टली सिक्स, द लेटर वर द रेस्ट हु स्पोक नॉट पंजाबी बट वर्जन ऑफ हरियाणवी और हिंदी। अब एक मिनट, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में एंड जो वर्जन ओ पन जो हरियाणवी बोलते थे और हिंदी बोलते थे, पंजाबी नहीं थी बट वर्जन ऑफ हरियाणवी एंड और हिंदी, ये जो लोग थे इन्हें हरियाणा में सेटल किया गया। तो इस वजह से हमारी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज हुई एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर सेटअप। अब आपको लिंग्विस्टिक स्टेट्स आ गया, ओल्ड स्टेट्स वर वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स वर सेटअप एंड अवर फेमस डिड सो बिकॉज सेम लैंग्वेज जो थे ना, पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज शुड लिव इन सेम स्टेट, सो देयर शुड बी नो क्लैशेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कल को लैंग्वेज बेस्ड झगड़े, आप सोचो अगर हम हरियाणवी के साथ रहते होते तो आपके एक तो स्कूल्स में भी प्रॉब्लम आनी थी, कितनी प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस देन ना। तो हमारे फेमस ने देखो कितना हार्डवर्क करके सब कुछ किया, उन्होंने एक लैंग्वेज बोलने वालों को एक स्टेट में सेटल किया ताकि लैंग्वेज बेस्ड क्लैशेस ना हो। नाउ इज इट क्लियर? इज देयर इज एनी